दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, महिलाएं एक साथ दो गुजारे भत्ते की हकदार। घरेलू हिंसा अधिनियम में है साफ, महिला और उनके बच्चे को जो भी गुजारा भत्ता मिलेगा वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मिले राहत के अतिरिक्त होगा। किसानों के भारत बंद को मिला कांग्रेस का समर्थन, 8 दिसंबर को पार्टी कार्यालयों पर करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये किसानों को राहुल गांधी के समर्थन को मजबूत करने वाला कदम होगा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रदर्शन सफल हो। बाबरी मस्जिद विवादित पोस्टर पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर, अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। कटिहार जिला प्रशासन में कलेक्ट्रेट के गेट समेत कई स्थानों बाबरी मस्जिद से जुड़े कुछ विवादास्पद पोस्टर मिलने के बाद मचा हुआ है हड़कंप। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान, असली किसान कर रहे हैं अपने खेतों में काम, कांग्रेस भड़का रही अन्नदाता को। मुझे पीएम मोदी के नेतृत्व और किसानों पर पूरा विश्वास, किसान कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे देश में कहीं भी अशांति पैदा हो। देश भर में मनाया जा रहा बाबा साहेब का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस, प्रधानमंत्री समेत अन्य राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि उनके विचार और आदर्श देते हैं लाखों लोगों को ताकत। एचडी कुमार स्वामी बोले बीजेपी से होते अच्छे संबंध तो आज भी होता सीएम, कांग्रेस से गठबंधन करके सब कुछ खो दिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल नेता एचडी कुमार स्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कैलाश विजयवर्गीय बोले जनवरी 2021 से नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने की संभावना, नागरिकता कानून से पड़ोसी देश से आए शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता। शारदा घोटाला केस में प्रमोटर सुदीप सेन का आरोप, जिन नेताओं ने पैसे लिए वो अब बीजेपी में हो रहे हैं शामिल, शुभेंदु अधिकारी ने भी लिए थे 6 करोड़ रुपए, मुकुल रॉय ने भी मुझसे ली थी बड़ी रकम। राम मंदिर को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी से पूछा सवाल, पारदर्शी तरीके से होने चाहिए सभी काम, जरूरी नहीं कि जो संघ करे वही कांग्रेस भी करे, कांग्रेस ने बनवाए हैं बहुत मंदिर। बाबरी विध्वंस भर्ती पर बोले ओवैसी, नए पीढ़ी को बताइए अयोध्या में 400 साल खड़ी थी हमारी मस्जिद, इस नाइंसाफी को कभी नहीं भूलना चाहिए। वैक्सीन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा अमेरिका में अगले सप्ताह से बाजार में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अमेरिका की सीडीसी समिति ने स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सिंग होम के कर्मचारियों को सबसे पहले टीका लगाने के दिए आदेश। वेनेजुएला में संसदीय चुनाव के लिए आज मतदान, पिछली बार के मुकाबले इस बार के चुनाव में 111 अधिक सीटों पर हो रहा है मतदान, 277 सीटों पर कुल 107 राजनीतिक दलों के 14,04,000 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपना भाग। यूरोपीय संघ प्रमुख और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रेग्जिट वार्ता जारी करने पर सहमति जताई है, कहा यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच अभी भी कुछ मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं, इन मतभेदों को सुलझाने के लिए हमारी वार्ता टीम ब्रुसेल्स में सोमवार को एक और बैठक करेगी। फ्रांस में सुरक्षा विधेयक का विरोध, 52,000 से ज्यादा लोगों ने किया प्रदर्शन। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डार्निन ने बताया कि हिंसक प्रदर्शन के आरोप में 64 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अर्जेंटीना ने गरीबों की मदद के लिए अमीरों पर लगाया टैक्स, महामारी को देखते हुए लिया गया यह फैसला, सरकार ने कहा इससे इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल दवा और जरूरी चीजों को खरीदने में और राहत कार्य में किया जाएगा। 1 जनवरी से महंगा पड़ेगा यूपीआई ट्रांजेक्शन, थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करने पर लगेगा अतिरिक्त चार्ज, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लिया अतिरिक्त चार्ज लगाने का ये फैसला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का बयान, कहा अगले वित्त वर्ष के अंत तक कोविड पूर्व के स्तर पर पहुंचेगी अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट, 8% से कम रहने का अनुमान। नेहा कक्कड़ का खुलासा, स्टेज पर आते ही होता है एंग्जाइटी अटैक, इंडियन आइडल में एक कंटेस्टेंट का हौसला अफजाई करते हुए किया ये खुलासा। नेटफ्लिक्स स्ट्रीम फेस्ट इवेंट का आज दूसरा दिन, बिना सब्सक्राइब किए फ्री में वेब सीरीज और फिल्में देखने का आखिरी मौका, यूजर्स को नहीं देना होगा कोई भी चार्ज। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण का बयान, कहा कोहली की जगह रोहित को कप्तान बनाने की जरूरत नहीं, रोहित के पास एक सफल कप्तान होने के सभी गुण, लेकिन अभी बदलाव की आवश्यकता नहीं।